दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये आ रही है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से, मतलब HCL की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है। और गाइज, ये जो वैकेंसी है गवर्नमेंट के अंडर वर्क करती है, और देखा जाए तो यहाँ पर आप सभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये वर्क करता है डिपार्टमेंट। गाइज, यहाँ आप सभी की जो वैकेंसी है बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आ रही है, और यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, साथ ही अप्लाई किस तरीके से करना है, इस चीज पे हमारा मेन फोकस रहेगा। और गाइस, जब भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने की लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लें, तो वो मैं आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ से ही हम लोगों को नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, यहीं से हम लोगों को अप्लाई करना है। तो अप्लाई आप लोगों का यहाँ पर जो है स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सभी को अप्लाई का वीडियो भी एक स्पेशली मैं दे दूंगी, जिससे कि आप लोग को प्रॉब्लम हो बट कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना गाइस, जिससे कि क्या होगा कि हमें अंदाजा हो जाता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे। अगर 8 से 10 स्टूडेंट भी मिनिमम आप लोग कमेंट करते हैं, तो मैं इस पर जरूर वीडियो लेकर आऊंगी, तो कमेंट कर देना अप्लाई के वीडियो पर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप सभी टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट डालती रहती हूँ जो हमारे यूट्यूब से छूट जाती है। गाइस, यहाँ पर जो आप लोगों की वैकेंसी आ रही है HCL में, काफी सारी ब्रांच एलिजिबल रहने वाली है। जैसे देखिए, यहाँ पर आप लोग फ्रेशर, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, बिल्कुल फ्रेशर। साथ ही यहाँ अगर आपने सिविल से कर रखा है क्वालिफिकेशन, या फिर मैकेनिकल में है, या फिर आप लोग इलेक्ट्रिकल में है, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो ये आप लोगों की काफी सारी ब्रांच है। CS ब्रांच वाले एलिजिबल है, IT ब्रांच वाले एलिजिबल है, इसी तरीके से और भी यहाँ पर कई सारी ब्रांच रहने वाली है। तो गाइस, ये सभी ब्रांच वाले स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट आप लोग की वैकेंसी रहेगी, परमानेंट आप लोग का जॉब रहने वाला है। तो चलिए हम लोग इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है गाइस। अब ये आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से है, और यहाँ कोलकाता की तरफ से आ रहा है, मेन वेबसाइट दी गई है, साथ ही आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये इसकी जो है आप लोगों की HCL की मेन आप लोगों की वेबसाइट है। ये 30/9/2022 को ये अपडेट किया गया था। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है आप सभी का ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए है, मतलब GET की पोस्ट के लिए है। अब GET की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, काफी अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ ओपनिंग डेट है 10/10/2022, ठीक है गाइस। ये अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं फॉर्म, जब स्टार्ट हो जाएंगे तो आप लोगों को फिर से यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। गाइस, इसका जो फॉर्म स्टार्ट होने का डेट है 10/10/2022, लास्ट डेट दो है 31/10/2022 है, और आप लोगों को मिडनाइट, मतलब आप लोग आधी रात तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें गाइस यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, तो ब्रांच देख सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ ब्रांच दी गई है, टोटल वैकेंसी SC ST OBC EWS OUR के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग वो दिया गया है। माइनिंग, सर्वे और जूलॉजी, साथ में आप लोग का कॉन्ट्रैक्टर है, और मतलब इस तरीके से जो आप लोग की नॉन टेक्निकल है वो भी यहाँ पर आप एलिजिबल रहेंगे ग्रेजुएशन वाले। इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, टोटल वैकेंसी 84 दी गई है। तो ये सभी आप लोगों की ब्रांच एलिजिबल रहेंगी। और कौन ब्रांच किसके लिए अप्लाई करेगा, चलिए हम लोग उसमें जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में देखिए, यहाँ पर दिया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पर ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है ना कि जैसे BE BTEC किया है, BE BTEC के बाद आप लोगों ने गेट का एक एग्जाम होता है पास किया है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और गाइस, गेट का एग्जाम तो जरूर दें, क्योंकि ये इतना ज्यादा मतलब आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके बाद ना बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए खुल जाती है, और जॉब अपॉर्चुनिटी आती भी है गाइस। तो कभी कभी तो क्या होता है ना कि गेट के जो आप लोगों ने स्कोर किया है, गेट का एग्जाम में जो स्कोर किया है, उसी के आधार पर डायरेक्ट आप लोगों को ले लेती है यहाँ पर। तो यहाँ आप लोगों का कौन सा जो चलेगा, जैसे काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 2021 में जिन्होंने पास किया होगा गेट का एग्जाम, तो जिन्होंने गेट का एग्जाम 2021 में पास किया है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर 2022 में पास आउट करने वाले हैं। अब क्या है, आप लोगों का जो लास्ट डेट था गेट के एग्जाम का वो बढ़ गया है, लगभग 7 आप लोग का 7-10 हो गया है, तो उस तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग गेट का एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिए, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी, ऑलमोस्ट मैं 10 से 12 नोटिफिकेशन आप लोग को देख चुकी हूँ, जो नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ गेट के एग्जाम पर डिपेंड है। गेट का एग्जाम जिन स्टूडेंट ने दिया है वही अप्लाई कर पाएंगे, साथ ही डायरेक्ट हायरिंग है गेट के एग्जाम के द्वारा। तो ये चीजें मेन रखी गई हैं। बाकी आप लोग का 60% मार्क्स होने चाहिए, और SC ST वालों के लिए 55% मार्क्स यहाँ पर एलिजिबल है। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है, जैसे माइनिंग, माइनिंग में जिन्होंने कर रखा है उनका बैचलर डिग्री होना चाहिए,
और फुल टाइम होना चाहिए 60% आप लोग का होना चाहिए बीई बीटेक। ओके, सर्विंग में आप लोग का माइनिंग, सिविल, सिविल में आप लोग का बैचलर डिग्री या फिर एमटेक भी आप लोग का चलेगा। अगर आप लोगों ने जूलॉजी में कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएट आप लोग एलिजिबल है, इंस्टीट्यूट देख सकते हैं। बाकी आप लोग का नेक्स्ट वैकेंसी कॉन्सेंट्रेटर की, यहाँ पर जो आप लोगों की बैचलर डिग्री एलिजिबल है, बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मिनरल मैम, मेट्रोलॉजिस्ट, मेटेरियल साइंस, केमिकल, इन सभी में। ओके, अब जो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में बैचलर डिग्री मतलब बीई बीटेक होना चाहिए, और सिविल में आप लोग का बीई बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल में बीई बीटेक, माइनिंग में भी चलेगा, और इंस्ट्रूमेंटेशन में आप लोग का बैचलर डिग्री बीई बीटेक होना चाहिए। ये सभी आप लोग की ब्रांच दी गई जैसे टेक्निकल, टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सिस्टम में बैचलर डिग्री एलिजिबल है, बाकी आप लोग का ये ब्रांच दिया गया है, एमसीए भी आप लोग का एलिजिबल रहेगा, एमबीए भी एलिजिबल रहेगा, तो ये सभी आप लोग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया गया है, रिलैक्सेशन 5, 3, 10, 2 और का आप लोग का यहाँ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी एसटी के लिए 5 का है, ओबीसी के लिए 3 का, बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं जैसे जनरल के हैं, ओबीसी के लिए हैं या फिर एस सी एस टी के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। और जो आप लोगों की एज रखी जाएगी 1/9/2022 के अकॉर्डिंग देखी जाएगी, यहाँ पर आप लोगों की मैक्सिमम एज 28 ईयर दी गई है। एस सी एस टी ओ बी सी कैंडिडेट यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी प्राप्त किया जाएगा। बाकी आप लोग का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा गाइस, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ जो रहने वाला है मेनली ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए 2 स्टेप में होगा। 2 स्टेप आप लोग के यहाँ पर रहेंगे, जैसे फर्स्ट स्टेप जो होगा गेट स्कोर, मतलब गेट में जितना भी स्कोर किया होगा उसका 70% आप लोग का मार्क्स यहाँ पर जुड़ेगा। बाकी दूसरा आप लोगों का जो रहेगा पर्सनल इंटरव्यू, तो मैंने आप लोग को पहले ही बात बोली, देखिए यहाँ भी एग्जाम नहीं होने वाला है आप लोग का, यहाँ भी डायरेक्ट गेट के आधार पर ही आप लोगों की हायरिंग होगी। गेट का 70% मार्क्स जुड़ेगा, बाकी इंटरव्यू का 30%, तो इस तरीके से आप लोगों की यहाँ हायरिंग की जाएगी। अब यहाँ फिर उसके बाद आप लोग की जो है शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर हायरिंग कर ली जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर गाइज नेक्स्ट आप लोग का पैकेज वगैरह कितना रहेगा। सैलरी पैकेज बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर, देख सकते हैं स्टार्टिंग में लगभग 40,000 के करीब रहता है और आप लोग का आगे भी बढ़ता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि 40,000 से 1,40,000 तक आप लोग को सैलरी पैकेज आगे रहता है। ट्रेनिंग आप लोग का यहाँ पर रहेगा 4 वीक्स का, 4 वीक्स का ट्रेनिंग रहेगा, उसके बाद कंटिन्यू आप लोग का जॉब रहेगा। इंटरव्यू का शेड्यूल आप लोग का यहाँ पर बता दिया गया, बाद में आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा, और डॉक्यूमेंट जो है आप लोग के, ये सभी डॉक्यूमेंट आप लोग के पास फाइनल होने चाहिए यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट आप लोग की जो फीस रहने वाली है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी होगा, मतलब मेडिकल फिटनेस का आप लोग का टेस्ट होता है। बाकी आप लोग का जो फीस है, देखिए 500 रुपये फीस रखी गई है, ये आप लोग की जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, लेकिन एससी एसटी वालों के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। जो हमारे एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए फ्री का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ ही गाइस जब भी आप लोग का ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो आप सभी के लिए आपको टेलीग्राम पर भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इसकी स्टार्टिंग डेट आ चुकी है, और बाकी आप लोगों को इसकी जो अप्लाई करने की वीडियो है वो भी मिल जाएगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना जिन स्टूडेंट को यहाँ पर अप्लाई की वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्तों, और आप लोगों को ये सभी चीजें यहाँ आप लोगों को पीडीएफ हो गया या फिर अप्लाई लिंक हो गई, डिस्क्रिप्शन एंड टेलीग्राम पर दोनों जगह मिल जाती है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइस। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।